जय साथियों, इस समय देश के सम्मानित और प्रचलित चर्चित पत्रकार रवीश कुमार जो पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में वहां पर जो है पहला उनका ब्लॉगिंग जो है भोजपुरी में हुआ था। इसके पहले जो है आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद। आज उनका जो है एक नया ब्लॉग आया है जिसमें उन्होंने वहाँ के सुबह की चर्चा की है। भारत में भी सुबह होती है, सुबह की चर्चा होती है, उसी तरह न्यूयॉर्क में भी सुबह होती है और वहाँ की भी चर्चा होती है। उन्होंने चर्चा किया जब सुबह लोग जगते हैं तो किस तरह से उनकी दिनचर्या होती है, इन तमाम चीज़ों को जो है एक कड़ी में बिटोर लिया है। आइए उस कड़ी को सुनाने की पहल जो है शुरू करते हैं। देखिए उन्होंने किस तरह से वहाँ पर सुबह जो है रोड की सफाई करे और वहाँ पर किस तरह से यातायात का जो संचरण है, इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से जो है इसमें वर्णन किया है। वजह है कि पीढ़ियों से हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आए हैं, पाकिस्तान से भी यहाँ लोग आए हैं और दूसरे देशों से भी आए हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुणात्मक बदलाव किए हैं जो शायद उनके देश में संभव नहीं था। तो इसलिए हम सबको ये देखने समझने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो ब्लॉग में मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ और साथ साथ शहर के की तस्वीरों को आपको दिखाना चाहता हूँ। एक शहर जब जागता है तो वो सुबह सुबह उसका आलम कैसा होता है, आप इस वीडियो में उसकी एक झलक पा सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर 6 बज रहे होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ट्रक सड़कों पर अब दौड़ने लगे हैं। इनमें से ज़्यादातर वो गाड़ियाँ हैं जो कूड़ा और कचरा यहाँ पर उठाती हैं। शहर साफ सुथरा है, मगर ऐसा भी नहीं है कि चारों तरफ चमक ही रहा है। इसकी गलियों में अगर आप जाकर देखेंगे तो हो सकता है कि आपको वो गंदगी भी दिख जाए और लगे कि हाँ, इतने बड़े शहर जिसका नाम दुनिया में इस तरह से है, वो उतना साफ नहीं है। लेकिन लोगों ने कुछ चीज़ें व्यवस्था के हिसाब से अपनी जगह पर हैं, जैसे कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ हों या फिर इस तरह के डस्टबिन जो हैं, अब हमारे देश में भी बहुत हैं पर वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और ऐसा लग रहा है कि सारा कचरा जो है वो यहाँ वहाँ फेंक कर जाने की आदत से अब ये कई दशक पहले ही मुक्त हो चुके हैं। लेकिन हर समय ऐसा नहीं था, एक समय ये शहर भी काफ़ी गंदे हुआ करते थे और धीरे धीरे बहुत जब इसमें समृद्धि आई तो समृद्धि के साथ साथ सफाई भी आती चली गई। तो इस वक्त जो मुझे दिख रही हैं वो ज़्यादातर शहर की दुकानों में सप्लाई करने वाली गाड़ियां हैं और स्कूल की बसें हैं जिन्हें मैं दिखाना चाहता था, मगर इस वीडियो में अब वो रह गया है। पर आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे हिंदुस्तान की तरह ही ये शहर भी सुबह सुबह जागता है। आप भारत के किसी भी शहर में जाएं तो आपको किसी ख़ास चौराहे पर अखबार वाले जो हॉकर हैं वो अखबार समेट कर बांटने की तैयारी करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर हॉकर तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्योंकि सुबह का आलम है तो फूलों की ये दुकान खुल गई है। $17 का एक फूल है, कोई $25 का है। तो देखिए लोगों ने गुलदस्तों को किस तरह से सजाया हुआ, ये देखने की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर आकर आप देख सकेंगे, लेकिन जब आप एक शहर को देखते हैं तो उसकी रात को भी देखिए, उसकी सुबह को भी देखिए और उसकी शाम को भी देखिए, और ख़ासकर ऐसे वक्त को भी देखिए कि जब शहर उठकर तैयारी करता है काम पर चलने के लिए, वो ज़रूर देखना चाहिए। तब उसका थोड़ा थोड़ा खालीपन भी दिखता है और धीरे धीरे वो